ओके okay फ्रेंड्स तो आज हम बात करेंगे हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को और बेसिकली जो ये कैल्शियम रेगुलेशन का प्लाज्मा में काम होता है ये परफॉर्म किया जाता है पैराथैराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी को इस्पेशली एके टी यू के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं कई बार जनरल क्वेश्चन आता है कि हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को लिखिए तो उसमें इन शॉर्ट लिखना होता है और कई बार किसी एक पर्टिकुलर हारमोन को का सेपरेट क्वेश्चन आता है तो हम दोनों चीजों को कवर करेंगे आ, हम देखेंगे कि अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या क्या लिखना है और कंबाइंड क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें क्या मेंशन करना है राइट तो आई एम आनंद श्रीवास्तव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मोकोलॉजी हाइज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मोसोटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च लखनऊ फर्स्टली विल टॉक द एज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम तो कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है हम कैल्शियम का स्पेशली क्यों रेगुलेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि कैल्शियम बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट है ये बॉडी का अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बात तो कैल्शियम मोस्ट एबंडेंट बॉडी में पाए जाने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि किसी ह्यूमन बॉडी का दो परसेंट मेकअप करता है मीन्स जितना भी ह्यूमन का वेट होगा उसका दो परसेंट कैल्शियम का अकेला उसमें वेट होगा अगर इन शॉर्ट अराउंड समझें इस बात को तो लगभग एक से डेढ़ किलोग्राम एक एडल्ट में कैल्शियम होता है जिसमें निन्यानवे परसेंट ऑफ कैल्शियम जो उसका होता है वो बोन्स में होता है और जो रेस्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द प्लाज्मा अदर टिश्यूज एंड सेल्स में अगर हम नॉर्मल लेवल की बात करें कैल्शियम की तो वो नाइन टू इलेवन मिलीग्राम पर डे से लीटर होता है तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है ये आपको पता होना चाहिए अगर हम फिजियोलॉजिकल रोल्स की बात करें कि कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है इन बॉडी में तो बहुत सिंपल है एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स की बात करें या एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग ऑफ मसल्स की बात करें ये इंट्रासी मैसेंजर की तरह भी वर्क करता है इम्पल्स जनरेशन का वर्क करता है कॉगोलेशन ऑफ ब्लड में भी हेल्प करता है और स्ट्रक्चरल फंक्शन इन बोन एंड टीथ के लिए भी ये बेस देता है तो ये चीज़ों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेकिन आपको किस तरीके से एक साथ इन मैटर कंटेंट को रखना है तो ये इसका फिजियोलॉजिकल रोल हुआ अब हम बात करते हैं प्लाज्मा कैल्शियम लेवल की कि बेसिकली वो किस तरीके से मेंटेन्ड होता है तो बेसिकली अगर हम बात करें जैसा कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं कि कैल्शियम लेवल जो प्लाज्मा का है वो तीन हार्मोन मेंटेन करते हैं पैराथायराइड हार्मोन कैल्सीटोनिन एंड वाइटमिन डी जबकि अगर हम बात करें कि कैल्शियम प्लाज्मा तक रीच कैसे करता है तो उसकी बेसिकली हम रिकोरिलेट करेंगे कि जो कैल्शियम होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू फ्रॉम ऑल ओवर द इंटेस्टाइन पूरी इंटेस्टाइन से वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड में जाता है और डियोडेनम इंटेस्टाइन के डिडेनम के पार्ट में कैरियर मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है जो कैल्शियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाइटामिन डी से इन्फ्लुएंस्ड होता है तो ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है इसको हम जब वाइटामिन डी का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी राइट तो ये एक जनरल सी बात है बट ऑब्वियस इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है जो समझ में ना आए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं पैराथायराइड हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन बेसिकली पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है और ये चौरासी अमाइनो एसिड का बना होता है इसका मोलिकुलर वेट होता है पंचानवे सौ राइट तो ये जनरल इंफॉर्मेशन जो पैराथायराइड हार्मोन का बेसिकली आ, रिलीज है रिलीज है वो कब होता है इस चीज को समझना स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए पैराथायराइड हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ है वो प्लाज्मा में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है मीन्स अगर प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम और ज़्यादा होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कब पैराथायर हार्मोन का रिलीज होना है और कब नहीं होना चूँकि हम जानते हैं कि पैराथायरयड हार्मोन प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है तो बट ऑब्वियस ही बात है ये तभी रिलीज होगा जब प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम हो तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हारमोन इज रेगुलेटेड बाई प्लाज्मा कैल्शियम कंसेंट्रेशन थ्रू अ कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टार दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार ऑन द सर्फेस ऑफ पैराथाइराइड सेल जो पैराथायराइड ग्लैंड की पैराथायराइड सेल्स होती हैं उनके सर्फेस पे कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टार होते हैं जो सेंस करते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम है या ज्यादा है अगर कम होता है तब वो ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन का रिलीज करवाते हैं और बेसिकली जब ज्यादा होता है ब्लड प्लाज्मा में तो पैराथायराइड के सिक्रेशन को वो कम कर देते हैं तो इस तरीके से रेगुलेशन होता है इसीलिए यहाँ पे लिखा है फॉल इन प्लाज्मा कैल्शियम अगर प्लाज्मा में कैल्सियम का लेवल कम होगा इंड्यूजेज पी रिलीज तो पी रिलीज इंड्यूज होगा जबकि अगर प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल राइज़ होता है तो इनहिबिट सिक्रीशन बाय डिक्रीजिंग साइक्लिक एएमपी इन पैराथायराइड सेल मींस जब इसका रिलीज होगा तब साइक्लिक एम्पी बढ़ेगा और जब कम होगा तो साइक्लिक एम्पी कम होगा प्रोलॉन्गड हाइपोकैल्सीमिया कॉजेस हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ पैराथायराइड तो बट ऑब्वियसली बात है कि प्रोलॉन्गड हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कि बॉडी में अगर लंबे समय तक ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम हो मीन्स इंडिविजुअल हाइपो हो तो उस केस में पैराथायरयड ग्लैंड चूँकि पैराथायरयड हार्मोन का काम है कैल्शियम के लेवल को ब्लड प्लाज्मा में बढ़ाना तो पैराथायरॉयड ग्लैंड खुद के साइज को इनलार्ज करके इंटेंसली पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करना चाहेगी तो इस मैकेनिज्म के दौरान क्या होगा कि ओवरऑल अल्टीमेटली पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा इसीलिए लिखा है कि प्रोलोंग्ड हाइपो कैलसीमिया कॉजेज हाइपर एंड हाइपर प्लेजिया ऑफ पैराथैराइड वाइल्ड सस्टेन्ड हाइपर कैल्सीमिया जब हाइपर कैल्सियम कैल्सीमिया में हो मीन्स वो कंडीशन जिसमें ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल ऑलरेडी ज्यादा हो तो चूंकि हम जानते हैं जब ब्लड में प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तो पैराथैराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होना चाहिए तो हैज़ एन अपोजिट इफेक्ट मीन्स जो पैराथैराइड ग्लैंड होगी उसमें हाइपरट्रॉफी नहीं होगी नेगेटिव हाइपरट्रॉफी होगी और नेगेटिव हाइपरप्लेसिया होगा राइट साइज पैराथराइड का कम हो। अब बेसिकली ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि आपको ओवरऑल यहाँ से इस चीज को समझना है कि ग्लैंड पे कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर थे जो कि कैल्शियम को सेंस करके पैराथराइड हार्मोन का रिलीज करवा रहे थे बाद में हमें ये समझ में आ गया जब प्लाज्मा कैल्शियम लेवल कम होगा तब तो पैराथराइड हार्मोन का रिलीज होगा और जब ज्यादा होगा तो पैराथराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी जगह है जहां पर पैराथायराइड हार्मोन अपना रोल प्ले करके ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को एनहांस करवाने का काम करता है तो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेस प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बाय नंबर वन बोन बोन में देखिए आप बुक्स को कई बार पढ़ेंगे तो उसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं वहाँ पर एक वर्ड होता है बोन रिजॉर्प्शन तो बोन रिजॉर्प्शन से आपको ये समझना है कि जब बोन रिजॉर्प्शन कहा जाए इट मीन्स बोन से कैल्शियम निकलकर ब्लड में जा रहा है इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि पैराथायराइड हार्मोन बोन रेजॉर्पन को बढ़ाता है इट मीन्स वो बोन से कैल्शियम का कहाँ पर रिलीज कर रहा है ब्लड प्लाज्मा में इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है मीन्स जो भी चीजें बोन रेजॉर्पन को एनहांस करेंगी वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएंगी बट अब ये ही बात है चूँकि ये पी टी एच इंक्रीज करता है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को तो बोन में भी पीटीएच प्रॉम्प्टली इनक्रीज रेजॉर्पन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन और बेसिकली ये जो ऑफ कैल्शियम होता है ये इस वजह से होता है क्योंकि वो ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होती है उनको एक्टिवेट कर देता है पीटीएच अब यही चीज जो मैं कह रहा था कि अगर इसका सेपरेट क्वेश्चन आता है तो इसमें किस तरीके से हम बोन में डिटेल से पीटीएच के एक्शन को पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट अभी आपको ये समझना है कि बोन में इंक्रीज करता है रेजोर्सन बाई एक्टिवेटिंग ऑस्टियो क्लास्ट राइट दूसरी हम बात करते हैं किडनी में किडनी में ये चूंकि ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के कंसेंट्रेशन को बढ़ाना है तो री एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम का उसको पीटीएच इंक्रीज कर देता है और इट ऑल्सो प्रमोट फॉस्फेट एक्सक्रीशन कैल्शियम के रि को बढ़ा रहा है जबकि फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को प्रमोट कर रहा है तो ये एक जनरल एक एडिशनल आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो आपको लर्न करके रखना है इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें तो बड ऑब्वियसली बात है कि अगर ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है तो इंटेस्टाइन से सेब्जॉर्शन बढ़ाना होगा लेकिन यहां पे आपको इस चीज को समझना है कि पी का अपना कोई खुद का रोल इंटेस्टाइन पे नहीं होता वो इंटेस्टाइन पे कैल्शियम के एब्जॉर्शन को बढ़ाता है लेकिन इनडायरेक्टली वो कैसे देखिए लिखा है पीटीएच हैज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कैल्शियम एब्जॉर्शन बट इनक्रीजेज इट इनडायरेक्टली बाई एनहांसिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैल्सीट्रॉल इन द किडनी बाई एक्टिवेटिंग वन अल्फा हाइड्रोक्सीज देखिए वन अल्फा हाइड्रोक्सीज एक एंजाइम है जो कि वाइटमिन डे के जो इंटरमीडिएट मीन्स uh, आप समझ लीजिए उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें चेंजेस करके उसका एक्टिव फॉर्म जो होता है कैलसीट्रॉल उसको बनाता है मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सीज एंजाइम है जो वाइटमिन डी के एक्टिव फॉर्म को बनाने में हेल्प करता है मींस अगर वन अल्फा एक्टिवेटेड होगा तो मोर एंड मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ डी बनेगा अब पीटीएच क्या कर रहा है पीटीएच एक्चुअली वन अल्फा को इंड्यूस कर रहा है ताकि वो अपना काम ज्यादा करे ज्यादा करे इन द सेंस कि वो कैल्सिट्रॉल को ज्यादा से ज्यादा बनाए और कैल्सीट्रॉल फर्दर क्या करता है कि इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्सन को बढ़ाता है तब हम बोलते हैं कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट तो पी का इंटेस्टाइन पे नहीं है लेकिन पी टी एच कैल्सियट्रोल के सिंथेसिस को बढ़ा के बाई एक्टिवेटिंग वन अल्फा हाइड्रोक्सीज प्रमोट करता है इंटेस्टाइन एजॉर्सन ऑफ कैल्शियम राइट तो ये एक तीन पार्ट हो गया आप इसको अभी तो सेपरेट करके लर्न कर सकते हैं राइट अब बात आती है कि अगर कोई डिटेल क्वेश्चन आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पीटीएच ऑन बोन सर्फेस को समझाइए तो बेसिकली एक केडी त्रिपाठी से लिया हुआ डायग्राम है और बहुत ही सिंपल है आप इसको इस तरीके से समझिए देखिए अल्टीमेटली अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बोन रेजॉर्पन को पीटीएच क्या करता है बढ़ा रहा है बोन रेजॉर्पन मतलब क्या हुआ कि बोन से कैल्शियम का ब्लड में शिफ्ट होना तो अगर बोन की सरफेस में इरोजन होगा इरोजन होगा तभी इरोजन मीन्स वहां से जो ब्रेक होकर उसके जो कंस्टिट्यूंट लीक होकर ब्लड प्लाज्मा में आएंगे कंस्टिट्यूएंट का मतलब यहाँ कैल्शियम से कोरिलेट करना है तभी तो जब ब्रेक होके उसका कैल्शियम ब्लड में आएगा तभी तो उस जो सरफेस जहां पे ब्रेक हुई उसको दोबारा से वहां पे क्या किया जाएगा बोन का फॉर्मेशन तो हम कहेंगे कि न्यू बोन फॉर्मेशन में भी पीटीएच हेल्प करता है इनडायरेक्टली क्यों क्योंकि पीटीएच बेसिकली कर रहा है बोन रेजॉर्सन बढ़ा रहा है और जब बोन रेजॉर्सन बढ़ेगा तो नई बोन की सिंथेसिस होगी इसलिए हम कहते हैं कि अल्टीमेटली पीटीएच बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है अब इस डायग्राम को हम समझेंगे बेसिकली राइट right? देखिए पैराथायराइड हार्मोन अब ये जैसे ये एक ये एक एक बोन है राइट right? ये एक बोन है इसमें इस 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 डायग्राम में में ये दिखा गया कि इस बोन की सरफेस इरोजन है और इसको किस तरीके से ये फ्रेश बोन यहां पे सिंथेसाइज कर दी गई है राइट right? फ्रेश बोन यहां पे किस तरीके से सिंथेसाइज कर दी गई तो ये जो आप देखिए इसमें इसको पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीजें समझना होगा लाइक ये जो सर्कल है ये दिखा रखा है कि पी टी एच ऑस्टियोब्लास्ट है ये कौन सी चीज है ये ऑस्टियोब्लास्ट है ये पूरे ये सब ऑस्टियोब्लास्ट है राइट और जो इस तरीके का इस कलर में बना हुआ है ये ऑस्टियो क्लास्ट है अब होगा क्या कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है चूंकि हम जानते हैं ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है बोन फॉर्मिंग सेल तो ऑस्टियोब्लास्ट के सरफेस पे इस ऑस्टियोब्लास्ट के सरफेस पे क्या है पीटीएच रिसेप्टर पीटीएच रिसेप्टर है तो बटावे सी बात है कि यहाँ पे पैराथेराइड हार्मोन आके बाइंड होगा पैराथायराइड हार्मोन जैसे आके इसमें बाइंड होता है तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये क्या रिलीज करती है इस सब्सटेंस को ये 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 कई जगह पे बना हुआ आप इसको देख सकते हैं और ये बेसिकली क्या है ये है आर ए एन की एल इसका फुल फॉर्म क्या होता है रिसेप्टर फॉर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर तक हमने क्या समझा कि पैराथायराइड हार्मोन वंस बाइंड्स टू देयर रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द ऑस्टियोब्लास्ट सरफेस दे रिलीज स्टार्ट रिलीजिंग आर ए एन के एल नाउ दिस आर ए एन के एल बाइंड टू देयर रिसेप्टर और इसके लिए जो रिसेप्टर है वो कहां पे प्रेजेंट है इन सेल्स पे और ये कौन सी से सेल्स हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट हैं तो इनके सरफेस पे कौन रिसेप्टर है आर ए एन के और अब वहां पर क्या बाइंड करेगा उस रिसेप्टर पे जाके आर ए एन के एल तो अब ये आर ए एन के एल गया और ऑस्टियोक्लास्ट के सरफेस पे जो उसका रिसेप्टर था जिसका नाम था आर ए एन के उस पे जाके बाइंड हो गया अब हुआ क्या जब ये इस पे बाइंड हो गया तो इसने क्या प्रमोट किया ये देखिए इसे प्रमोट क्या कर रहा है बेसिकली ये ऑस्टियोक्लास्ट को ऑस्टियोक्लास्ट के डिफ्रेंसिएशन को ऑस्टियोक्लास्ट तो ये जो येलो कलर से दिखा रखा है ये यहां पे रफल्ड सरफेस बनाएंगे रफल्ड सरफेस मीन्स ब्रेक होके यहां से कैल्सियम पे जाएगा ब्लड प्लाज्मा में जाएगा राइट अब यहां पे दिखा रखा है कि जब इनका इस तरीके से एक्शन होता है तो पीटीएच क्या कर रहा है बेसिकली इस चीज को प्रमोट कर रहा है बोन फॉर्मेशन को कैल्सिट्रॉल भी बोन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है मतलब वाइटामिन डी जबकि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है इसको माइनस कर रहा है वो कैसे अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी हम इसको किसको पढ़ रहे हैं पैराथराइड हार्मोन को तो पैराथैराइड हार्मोन ने जैसे यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट का डिफ्रेंसिएशन किया तो यहाँ से क्या हुआ कैल्शियम का रिलीज हुआ मीन्स बोन यहाँ से ब्रेक हुई और जब कैल्शियम ब्रेक हो बोन जब ब्रेक होगी तो यहाँ पे न्यू बोन का फॉर्मेशन होगा वो कैसे उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा कैल्सिट्रॉल का कैल्सिट्रॉल क्या करेगा

ये एक प्रोटीन को भी रिलीज करता है जिसका नाम होता है आस्टियोप्रोटेजेरिन और यह आस्टियोप्रोटेजेरिन बेसिकली क्या काम करता है ये आस्टियो इस ये जो जिसकी हम बात कर रहे थे जो कि इसी से एक्टिवेट होने पर निकलता है उस आर्यन केल को होल्ड करके अपने पास रख लेता है और जब ये होल्ड करके रख लेगा तो ये जो पार्ट है ये कभी भी किससे कंबाइंड होगा आर्यन के रिसेप्टर से जो कि ऑस्टियोक्लास्ट पे था इट मीन जब ये इससे बाइंड नहीं होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन नहीं होगा मीन्स बोन रिजॉर्वशन नहीं होगा तो बोन रेजॉर्सन की कंट्रोलिंग जो है अगर बोन रेजॉर्सन नहीं करवाना है तो क्या होगा आस्टिव की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं इस डायग्राम को राइट right? और यहां पे इस डायग्राम में ये दोनों में बस सेम डायग्राम है इसमें यह दिखा रखा है कि यहां पे ये यह बोन जो यहाँ पे ब्रेक हुई थी ये इसको न्यू बोन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया और ये सारे के सारे यहाँ पे क्या आ गए पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर ने ये रोल प्ले किया और ये कैल्सिट्रॉल वगैरह क्या कर रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम का कैल्शियम को यहाँ पे रिलीज करवा रहे हैं तो ये एक जनरल डायग्राम है जो कि आपको एग्जामिनेशन में बनाना होगा ड्रग है टेरी पराटाइड टेरी पराटाइड क्या है ये रिकॉम्बिनेंट प्रिपरेशन है पैराथराइड हार्मोन की बेसिकली जो कि सीवियर ऑस्टिप्रोसेस में यूज होती है राइट नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करेंगे अब हम बात करेंगे वाइटमिन डी की तो वाइटमिन डी में बेसिकली आ, वाइटामिन डी जो होता है इसका कलेक्टिव नेम भी बोलते हैं एंटी रैक्टिक्स होते हैं जो रेगेट्स में यूज होते हैं राइट right? तो इन बॉडी एंड फाउंड इन फूड एक्टिवेटेड बाय यूवी रेडिएशन यूवी रेडिएशन से एक्टिवेटेड होते हैं वाइटामिन डी के लिए स्पेशली डिटेल क्वेश्चन आता है इसको आपसे सेपरेट इस चार्ट को भी श्योर इसको लर्न करना होगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ये बनाना होगा D3, D2 डी टू एंड डी वन इसके कई फॉर्म है डी थ्री जो फॉर्म होता है जिसका नाम होता है कोली कैल्सी फेरॉल ये कोली कैल्सी फेरॉल जो वाटी में डी थ्री है ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंसाइज होती है अंडर द स्किन इन द इंफ्लुएंस ऑफ यू वी रेज जबकि हम डी टू बात करें कैल्सी फेरॉल को बोलते हैं ये प्रेजेंट इन इरेडिएटेड फूड में होता है ईस्ट फंजाई ब्रेड एंड मिल्क में डी वन बात करें तो ये मिक्सचर ऑफ सब्सटांसेज है फाउंड इन फूड हिस्टोरिक एक्टिवेशन ऑफ वाइटामिन डी वाइटामिन डी का जो एक्टिवेशन पाथवे है ये जरूर आपको याद करना होगा देखिए वाइटामिन डी के एक्टिवेशन में बेसिकली अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें जो कि स्किन के अंडर ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं यूवीरो से कोली कैल्सिफेरॉल तो बेसिकली हमारे जो स्किन में जो होता है वो होता है सेवन डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल सेवन डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो कि कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होता है इन द स्किन हमारे सेंथसाइज होता है ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में कैपेबिलिटी होती है कि विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल वो सी वन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसाइज करें उसी तरह ईस्ट ब्रेड और मिल्क में ये होता है कि वहां पर क्या होता है एर्गोस्टेरॉल होता है पैरेलल हमको इसको इस तरीके से पढ़ना है अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी लाइट इस ये भी और ये भी किस में कन्वर्ट होते हैं ये कन्वर्ट होता है कोली कैल्सीफेरॉल में जिसको हम व्हाइट में डी थ्री बोलते हैं ये कोली कैल्सीफेरॉल में जबकि एर्गोस्टोरॉल किस में कन्वर्ट होता है कैलसीफेरॉल में जिसको हम बोलते हैं वाइटामिन डी टू तो अभी ये इसके एक्टिव फॉर्म नहीं है अब जब वाइटामिन डी थ्री इन द लीवर इन द ह्यूमन लीवर इट कन्वर्ट्स इन टू कैल्सी फेडॉल फेडायोल जिसको हम बोलते हैं ट्वेंटी फाइव ओ एच डी थ्री ये लीवर में कन्वर्ट होता है जबकि कैलसीफेरॉल जो एर्गोस्टोल ईस्ट ब्रेड मिल्क में हम बात कर रहे हैं वो कैल्सीफेरॉल किस में कन्वर्ट होता है ट्वेंटी फाइव ओ एच डी टू किसमें कहा पर माइक्रोसोम्स में जो ईस्ट में माइक्रोसोम्स जो पर्टिकुलर पार्ट होता है बॉडी का वहां पर कैल्सीफेरॉल कन्वर्ट होता है ट्वेंटी फाइव ओ एच डी टू में अब इसके बाद जो कैल्सी फे, फेडायोल जो ह्यूमन में बना वो किडनी में जाके वन अल्फा हाइड्रोक्सीज एंजाइम के प्रेजेंस में यहां पे दिया नहीं हुआ है वन अल्फा हाइड्रोक्सीज एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसका नाम होता है कैल्सी ट्रायोल वन ट्वेंटी फाइव ओ एच टू डी थ्री यही इसका एक्टिव फॉर्म होता है किसका वाइटामिन डी का वाइटामिन डी थ्री का एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल और ईस्ट और फंजाई में क्या होता है बेसिकली ये लास्ट में कन्वर्ट होता है वन ट्वेंटी फाइव ओ एच टू डी टू में ये दोनों अपने अपने लेवल पे एक्टिव फॉर्म है यहां पर ह्यूमन में एक्टिव फॉर्म ये है जबकि ईस्ट और फंजाई में एक्टिव फॉर्म ये है तो ये यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टेप होता है और ये स्टेप किडनी में तो ये स्टेप आपको बेसिकली लर्न करना होगा राइट right? अब हम बात करते हैं कैल्सीट्रॉल और वाइटामिन डी इंक्रीजेज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बाई क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि पी टी एच का और वाइटामिन डी का रोल जो लगभग जो है हमारा सेम है जो पीटीएच का है वो सेम कैल्शियम वाइटामिन डी का है कैल्सीट्रॉल का है वाइटामिन डी भी लिखा हुआ है कैल्सिट्रॉल तो बात आपकी सेम है क्योंकि वाइटामिन डी का एक्टिव फॉर्म जो है ह्यूमन में वो कैल्सीट्रॉल है देखिए जिस तरीके से पीटीएच क्या कर रहा था ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर रहा था उसी तरीके से बोन में लाइक पीटीएच कैल्सिट्रॉल इंड्यूसेस आर एन के एल इन देन एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट मेंस बोन रेजोर्सन को बढ़ा रहा है ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें तो कैल्सिट्रॉल चूंकि हमने डायरेक्ट पढ़ा था कि पीटीएच का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है बाई एक्टिवेटिंग कैल्सिट्रॉल अब हम चूंकि कैल्सिट्रॉल ही पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे कैल्ट्रॉल एनहांस एब्जॉर्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम यूर इंटेस्टाइन दिस इज ब्रॉट अबाउट बाई इंक्रीजिंग दिंथेसिस ऑफ कैल्सियम चैनल एंड कैरियर प्रोटीन और कैल्शियम कॉल्ड कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैलबेंडिन मीनस जो कैल कैल्सिट्रॉल uh, होता है वाइटमिन डी ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की ज्यादा से ज्यादा सिंथेसिस करवाता है जो कि कैल्शियम को बाइंड करके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्शन को बढ़ाती है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं किडनी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एट सेम पी टी एच भी ट्यूबुलर री को कैल्शियम और फॉस्फेट के एनहांस करता है राइट बट द एक्शन इज लेस मार्क्ड देन दैट ऑफ पीटीएच यहाँ पर इसका एक्शन पुअर होता है और इंटेस्टाइन में इसका एक्शन स्ट्रांग होता है जबकि पीटीएच का एक्शन यहाँ पर पुअर होता है और किडनी में स्ट्रांग होता है तो ये दोनों एक दूसरे के कुछ पॉइंट पे अपोजिट हैं जो कि आपको लर्न ये एडिशनल मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है आप ताकि आप बेहतर समझ बन, बना पाए वाइटामिन डी डेफिशियंसी में बॉडी कैसे इफेक्ट करती है तो चूंकि अगर वाइटामिन डी की डेफिशियंसी होगी तो बट ऑबियस बात है कि बोन रिजॉर्पन नहीं होगा तो अगर होगा क्या प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फेट टेंड टू फॉल ड्यू टू इन एडिक्यूट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्शन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्सन नहीं होगा विटामिन डी के डेफिशियम में एज अ कॉन्सिक्वेंसिस पीटीएच इज सिक्रेटेड तब क्या रिलीज होगा पीटीएस ज्यादा से ज्यादा सीक्रीट होगा और पीटीएस सीक्रीट होगा तो कैल्शियम इज मोबाइज फ्रॉम बोन इन ऑर्डर टू रिस्टोर प्लाज्मा कैल्शियम अगर आ, तो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए पीटीएस ज़्यादा रिलीज होगा और पीटीएस बोन रिजॉर्बन करवाएगा और बोन फेल्स टू मिनरलाइज नॉर्मली इन न्यूली लेड एरिया बिकम सॉफ्ट ज्यादा मिनरलाइजेशन नहीं होगा और बोन सॉफ्ट हो जाएगी जिसको बोलते हैं रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड इन एडल्ट में बोलते हैं ऑस्टियो मलेशिया तो ये वाइटामिन डी के डिफिशियंसी से होने वाली प्रॉब्लम है राइट क्योंकि अगर यहाँ पे इस डायग्राम को हम देखें तो ये जो मिनरलाइजेशन इस यहाँ ओस्टियार्ड का जो बेसिकली मिनरलाइजेशन कर रहा है ये कौन करता है कैलसी करता है देखिए कैल्सिट्रॉल में यहाँ से ये रेड वाला लाइन जी दिखा रखा है ये जो मिनरलाइजेशन का, का काम होता है अब अगर वाइटमिन डी के डेफिशियसी हो गई तो बोन यहाँ पे बंद हो जाएगी लेकिन इसका मिनरलाइजेशन नहीं होगा मीन्स वो जो भी बोन बनेगी सॉफ्ट बनेगी बच्चों के केस में अगर ऐसा हो तो डी की वैटमेंसी तो उसको बोलते हैं बात करते हैं कैल्सीटोनी की दोनों से अपोजिट है वो एट्टी फोर अमाइनो एसिड का होता है थर्टी टू एसिड का होता है पंचानवे हंड्रेड पंचानवे डबल जीरो था इसका मोलिकुलर वेट छत्तीस डाल्टन है प्रोड्यूड बाई पैराफोलिकुलर सी सेल ऑफ ग्लैंड वहां पर डिक्रीज इन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग पीटीएच और यहां पर क्या है राइज इन प्लाज्मा कैल्शियम राइज इन प्लाज्मा कैल्शियम इनक्रीजेस वाइल फॉल इन प्लाज्मा कैल्शियम डिक्रीजेस जस्ट अपोजिट है एक्संस की अगर बात करें तो बोन रिजॉर्पन को ये कम करेगी मीन्स इनहिबिट करेगी इंटेस्टाइन पर इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता किडनी में बेसिकली ये ट्यूबलर रि को इनहिबिट करती है जस्ट अपोजिट है उनका राइट right? हम नेक्स्ट हम बात करते हैं ये मैंने खुद से इसको प्रिपेयर किया है इस पर आप अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि आप इन शॉर्ट समझाना चाहें तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको एडिशनल थेरी के साथ एडिशनल इमेज में इंक्लूड करें तो इसमें क्या दिखा रहेगा कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम लेवल रेगुलेशन थ्रू पीटीएच विटामिन डी पीटीएच देखिए हमारा यहाँ से आपको इस तरीके से समझना होगा जैसे पीटीएच है इस स्टेप में देखिए बोन रिजॉर्सन को बढ़ा रहा पहला काम है इसका बोन को बढ़ा रहा है इट मीन यहाँ पे प्लस का साइन लगा है मीनस इस प्रोसेस को भी ये बढ़ा रहा है ये प्रोसेस क्या है कि बोन से कैल्शियम निकल के आ रहा है प्लाज्मा कैल्शियम में तो बटा भी बात है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को ये बढ़ा रहा दूसरा तो है दूसरा अगर वर्क देखें पीटीएच का तो पीटीएच इधर ये देखिए ग्रीन कलर से पीटीएच का वर्क है नंबर वन वर्क ये हो गया नंबर टू क्या कर रहा है ये यहाँ पर वर्क कर रहा है ये तो देखिए है यहां पर यहां पर कौन सा एंजाइम है वन अल्फा हाइड्रोक्सीज जो कि क्या कर रहा है ट्वेंटी फाइव ओ को कन्वर्ट कर रहा है 125 OH2D3 मींस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को सिंथेसाइज करा रहा है पीटीएच तो अब जब ये बन जाएगा कैल्सीट्रॉल विटामिन डी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी तो ये क्या कराएगा ये इंक्रीज करेगा बोन रिसोर्प्शन को रिसोर्प्शन कराएगा मींस अल्टीमेटली ये प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा तो यहाँ पर बेसिकली ये इनडायरेक्टली इफेक्ट दे रहा है राइट विटामिन डी के थ्रू दे रहा है अपना इफेक्ट क्लियर है और अगर हम यहाँ पे बात करें वाइटमिन डी एब्जॉर्पन को इंक्रीज कर रहा है इंटेस्टाइन में ठीक एब्जॉर््शन क्योंकि तो अब पहले हम पी को कवर कर लेते हैं पीटीएच के दो काम यहाँ से हो गए थर्ड काम पीटीएच का क्या है कि पीटीएच किडनी से रीअब्जॉर्शन को यहाँ पे देखिए बढ़ा रहा है प्लस साइन है मीन्स प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है अब हम कैल्सी की बात करते हैं कैल्सी देखिए इनहिबिट कर रहा है रीअब्जॉर्पन राइट और कैल्सिटोनिंग यहाँ क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है रीअब्जॉर्शन और कैल्सिटोनिक का इंटेस्टाइन पे कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल नहीं है अगर हम बात करें वाइटामिन डी की तो वाइटामिन डी क्या कर रहा है डायरेक्ट इफेक्ट दे रहा है इंक्रीज कर रहा है रीअब्जॉर््पन को अगर हम वाइटामिन यहाँ डी यहाँ पे देखें तो वाइटामिन डी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है रीएब सॉरी यहाँ पर रीऐब्जॉर्पन ये रीजॉर्पन है और यहाँ पर रीअब्जॉर््पन इन केस ऑफ किडनी ग्री� इट मीन्स अल्टीमेटली प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है तो ओवरऑल आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं लास्ट में एक कैटेगरी आपको अगर पेपर काफ़ी टिपिकल आता है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फॉस्फोनेट कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल लिखे तो फॉस्फोनेट बेसिकली क्या होते हैं ये बोन रेजॉर्पन को इनहिबिट करते हैं बोन रेजॉर्पन हमने क्या पढ़ा कि बोन से कैल्शियम का रिलीज होकर ब्लड में आना तो अगर अगर ये चीज ज्यादा होगी इस मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होंगे तो अगर बिस फॉस्फोनेट क्या करता है इनहिबिट करता है बोन रेजॉर्पन को एंड हैव रिसेंटली अट्रैक्टेड अटेंशन बिकॉज ऑफ देर एबिलिटी टू प्रीवेंट ऑस्टिओपोरोसिस तो बिस्फॉसोनेट कैटेगरी की जो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस में यूज होती हैं लास्ट में इनके ड्रोनेट लगा होता है लाइक एडिड्रोनेट डिलोड्रोनेट पामिड्रोनेट एलेंड्रोनेट तो ये, ये ड्रग्स हैं जो कि आपको लर्न करके रखनी होगी सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा कैल्सियम लेवल थ्रू द पैराथराइड हारमोन वाइटामिन डी एंड कैल्सिडियम आई होप की लेक्चर से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी थैंक यू वेरी मच